दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ESP डेंस पेज कन्वेयिंग सिस्टम क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे रहते हैं और डेंस पेज कन्वेयिंग सिस्टम के अलावा भी कौन कौन सा हमारा कन्वेयिंग सिस्टम होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जहाँ भी हमारा पावर प्लांट में जो हमारे एस जो निकलता है, एस को कलेक्शन करने के लिए हमारे कई सारे सिस्टम लगे रहते हैं, तो उनमें उसी में से एक होता है हमारा मेनली जो हमारा एस हैंडलिंग का जो मेन पार्ट होता है वो होता है ESP, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो ESP का जो एस होता है दोस्तों, उसको कन्वेइंग करने के अलग अलग हमारे साधन होते हैं, अलग अलग इसके तरीके होते हैं। तो इनमें से जो मोस्ट हमारा जो फेमस तरीका होता है वो होता है डेंस पेज कन्वेइंग सिस्टम। डेंस फेज में क्या होता है, एयर के थ्रू हम एस को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करके हम साइलो के में लेके चले जाते हैं। तो इसके अलावा एक होता है दोस्तों वैक्यूम कन्वेइंग सिस्टम, जो होता है नेगेटिव प्रेशर, यानी वैक्यूम प्रेस के थ्रू उसको एस को कलेक्ट किया जाता है एस टावर में। जैसे उसका वीडियो हमने पहले बताया था कि वैक्यूम कन्वेइंग सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट हमारे लगे रहते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं डेंस फेज कन्वेइंग सिस्टम। तो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, दो टाइप का हम कन्वेइंग सिस्टम होता है, एक होता है पॉजिटिव प्रेशर कन्वेइंग सिस्टम, एक होता है नेगेटिव प्रेशर कन्वेइंग सिस्टम। तो जो हमारा पॉजिटिव प्रेशर कन्वेइंग सिस्टम होता है उसमें हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेंस फेज और एक होता है डिल्यूट फेज या फिर लीन फेज। इसको डिल्यूट फेज भी बोला जाता है और इसको लीन फेज भी बोला जाता है। अब दोस्तों एक्चुअली ये होता क्या होता है, ये एक प्रकार से एयर और एस का रेशियो होता है कि किसमें एयर का रेशियो कम है, किसमें एयर का रेशियो ज़्यादा है, उसके हिसाब से हमारा डेंस फेज या फिर डिल्यूट फेज निर्धारित किया गया है। तो देखिए जो हमारे डेंस फेज मोस्टली जो होता है हमारा डेंस फेज कन्वेइंग सिस्टम ही हमारा ESP में यूज़ किया जाता है। जो हमारे डिल्यूट फेज या फिर लीन फेज होते हैं ये अलग इंडस्ट्रियों में यूज किए जाते हैं, जहाँ पर हल्के मटेरियल वगैरह होते हैं उनके लिए। तो अब बात करते हैं कि डेंस फेज कन्वेइंग सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों डेंस फेज कन्वेइंग सिस्टम एक पॉजिटिव प्रेशर कन्वेइंग सिस्टम होता है, जो हमारे मटेरियल को कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर कन्वेय कराने के लिए हमारा यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं डेंस फेज कन्वेइंग सिस्टम, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर। इसमें एयर का प्रेशर का यूज करके, एयर के प्रेशर के लिए हम कंप्रेसर यूज करते हैं, उस कंप्रेसर को एयर कंप्रेसर का जो एयर होता है उसके थ्रू हम पाइपलाइन से एस को कन्वेइंग करा के हम साइलो तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं डेंस फेज कन्वेइंग सिस्टम। तो दोस्तों अब एक्चुअली जो डेंस फेज होता है इसका जो स्पीड होता है, स्पीड कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें जो डेंस फेज है इसका स्पीड जो रहेगा कम रहेगा, यानी वेलोसिटी जो रहेगा वो कम रहेगा और प्रेशर जो रहता है इसका ज़्यादा रहता है। और जो डिल्यूट या फिर लीन फेज जो होता है दोस्तों, इसका जो होता है स्पीड ज़्यादा होता है और प्रेशर जो होता है थोड़ा सा कम होता है। ये होता है डेंस फेज या डिल्यूट फेज, दोनों ही हमारा पॉजिटिव प्रेशर कन्वेइंग सिस्टम है। इसके लिए हम कंप्रेसर का यूज करते हैं, कंप्रेसर के एयर हमारे एस को ढकेलते हुए जहाँ हमें कलेक्शन करना रहता है वहाँ तक लेके जाता है। तो डेंस फेज कन्वेइंग सिस्टम का क्या होता है कि स्पीड स्लो होता है, हाई प्रेशर होता है, लगभग दोस्तों 4 से 5 kg का इसमें प्रेशर हम यूज करते हैं। और इसका जो वेलोसिटी होता है दोस्तों, वेलोसिटी डेंस फेज का जो होता है 1 से 10 meters per second का इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब होता है दोस्तों वेग, यानी जो एस का जो डिस्प्लेसमेंट है एक जगह दूसरे जगह स्पीड से हो रहा है वो लगभग 1 से 10 meters per second के बीच में ये रहता है पॉजिटिव प्रेशर कन्वेइंग का जो हमारा डेंस फेज सिस्टम होता है। डेंस होता है और डिल्यूट होता है। तो डेंस का जो मतलब होता है वो होता है सघन या फिर घना। तो इससे पता चलता है कि उसमें एस का जो मात्रा होगा वो ज़्यादा रहता है। और जो डिल्यूट का मतलब होता है ये होता है पतला, यानी कि इसमें रेशियो बहुत कम रहता होगा। और ये डेंस मतलब होता है घना, तो इसमें ज़्यादा एस का या फिर ज़्यादा मटेरियल का कन्वेइंग किया जाता है और इसीलिए इसका स्पीड स्लो होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। डिल्यूट वाले में पतला होता है, कम मटेरियल का कन्वेइंग किया जाता है इसलिए इसका स्पीड ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर कम रहता है। और निगेटिव प्रेशर कन्वेइंग में हमारा आता है वैक्यूम कन्वेइंग सिस्टम, इसमें हम वैक्यूम पंप का यूज करते हैं कन्वेइंग के लिए। इसके बारे में हमने वीडियो बताया है, बनाया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं वीडियो की लिस्ट में। तो चलिए अब दोस्तों जो हमारा ESP डेंस फेज कन्वेइंग सिस्टम होता है इसके जो हमारे इक्विपमेंट क्या क्या लगे रहते हैं उसके बारे में बताते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे किस तरीके से हमारे एक एक सिस्टम लगा रहता है और कैसे क्या क्या क्या, क्या इसमें हमारे C&I इक्विपमेंट लगे रहते हैं, उनका ऑपरेशन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों जो ESP जो होता है, ESP में बने होते हैं हमारे हॉपर, तो आप देख सकते हैं ऊपर हमारा हॉपर होता है,
हॉपर से एक लाइन कनेक्ट किया जाता है, वहाँ पे हमारे लगे होते हैं एक्सपेंशन बेलो और स्पूल पीस वगैरह लगा रहता है यहाँ पे, उसी के बीच में एक हमारा लगा दिया जाता है मैनुअल आइसोलेशन बाल। अब मैनुअल आइसोलेशन बाल का क्या काम होता है कि दोस्तों, मैनुअल आइसोलेशन बाल के पास एक्सपेंशन जो बेलो से जुड़ा एक रहता है हमारा डोम वाल। अब ये डोम वाल जो होता है दोस्तों, इसके जगह पे कुछ दूसरा वाल भी लगाया जाता है, लेकिन अधिकतर जो होता है डोम वाल भी लगाया जाता है, इनलेट डोम वाल भी या फिर इनलेट वाल भी इसको बोला जाता है। ये न्यूमेटिक ऑपरेटेड होता है, यहाँ पे एक्चुएटर या फिर न्यूमेटिक सिलेंडर का यूज़ किया जाता है इसको ऑपरेट कराने के लिए। तो अब एक्चुअल होता क्या है कि जो इनलेट में जो हमारा डोम वाल लगा रहता है, अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसका काम करने के दौरान हमें आइसोलेट करना पड़ेगा इसको, इसलिए यहाँ पे मैनुअल एक आइसोलेशन वाल लगा दिया जाता है। यहाँ पे मैनुअली इसको आप हाथ से यहाँ बंद ओपन और क्लोज करना पड़ता है। तो इसका काम तभी होता है जब हमें इसमें डोम वाल में कुछ काम करना हो या फिर नीचे का और भी कुछ अगर काम करना है, पूरा चेंज करना है, तब इसको आइसोलेट करके इसमें काम किया जाता है। तो ऊपर का जो होता है वाल मैनुअल आइसोलेशन वाल, उसके बाद होता है डोम वाल, या इसमें न्यूमेटिक एक्चुएटर या फिर न्यूमेटिक सिलेंडर दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद नीचे एक लगा होता है एस वेसल या फिर पीडी पंप। तो जो एस वेसल जो होते हैं दोस्तों, वो थोड़ा छोटे छोटे रहते हैं, और जो हैवी थोड़ा होता है उसको बोलते हैं पीडी पंप। पीडी पंप का मतलब ये होता है दोस्तों, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इसलिए उसको कई प्लांटों में इसको पीडी पंप भी बोला जाता है। जो हमारा वेसल होता है बड़ा बड़ा हैवी हैवी, उसको बोलते हैं पीडी पंप, यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अब इसमें क्या होता है, पीडी पंप या फिर जो एस वेसल होता है, इसमें एस का लेवल बताने के लिए हमारे एक लेवल प्रोब या फिर लेवल कंट्रोलर लगाया जाता है। ज़्यादातर प्लांटों में ईआईपी का जो होता है लेवल कंट्रोलर लगा रहता है, यहाँ पे प्रोब रहता है और इसके जो कंट्रोलर होते हैं हमारे पैनल या न्यूमेटिक पैनल जो होता है उनके पास लगा रहता है। तो यहाँ पे प्रोब हो गया, यहाँ पे इसका कंट्रोलर हो गया, ये वायर के थ्रू कनेक्ट रहता है। इसके अलावा एक हमारा न्यूमेटिक एंड कंट्रोल पैनल होता है, जिसमें हमारे सोलेनाइड भी लगे रहते हैं इसके जो भी न्यूमेटिक वाल में उसको ऑपरेट कराने के लिए, और जो इसके हमारे सी एंड आई इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनके फीडबैक के लिए भी यहाँ पे कंट्रोल पैनल लगा रहता है। अगर आप लोकल रिमोट ऑपरेशन है तो भी यहाँ से कर सकते हैं। सोलेनाइड का भी जो कंट्रोलिंग होता है वो यहीं से आता है। यहाँ पे एक एयर आया रहता है, बाकी कई सारे एयर का आउटपुट हमारे गए रहते हैं। जितने आपके सोलेनाइड लगे होंगे उतने आपके आउटपुट का यहाँ पे यूट्यूब जो भी होता है लगा रहता है। तो ये हमारा पीडी पंप हो जाता है। उसके अलावा देखेंगे पीडी पंप के साइड साइड में हमारा फ्लूडाइजिंग पैड और फ्लूडाइजिंग एयर लाइन लगा रहता है। उसमें क्या होता है, फ्लूडाइजिंग एयर जाता है। अब फ्लूडाइजिंग एयर का काम क्या होता है दोस्तों, कि ये जो हमारे वेसल होते हैं या फिर जो पीडी पंप होता है, इनमें जो एस आता है, ये जो एस आता है वो नमी की वजह से इसमें बैठ ना जाए, चिपक ना जाए, इसकी वजह से चोक होने की संभावना हो जाती है। तो इसीलिए इसको फ्लूडाइज करता है। फ्लूडाइज का मतलब उसको भुरभुराते रहता है, एस जो होता है उसको भुरभुराता रहेगा ताकि वो एक जगह पे बैठे ना, इसीलिए यहाँ पे फ्लूडाइजिंग लाइन लगाया जाता है और फ्लूडाइजिंग पैड लगा रहता है। उसी फ्लूडाइजिंग पैड से कनेक्ट रहता है हमारा फ्लूडाइजिंग लाइन। तो देखिए, इसी फ्लूडाइजिंग एयर जो जाता है, ये हमारे कन्वेइंग एयर में से ही टाइपिंग करके यहाँ से एक लाइन ले लिया जाता है अलग से, उसी को बोलते हैं फ्लूडाइजिंग लाइन। अभी फ्लूडाइजिंग लाइन में एक वाल लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं फ्लूडाइजिंग वाल। अभी फ्लूडाइजिंग वाल भी होता है, ये भी दोस्तों न्यूमेटिक ऑपरेटेड होता है, इसमें भी एक्चुएटर ही लगाया जाता है। इसके अलावा देखिए, एक एयर जो आता है कन्वेइंग एयर, जो हमारे कंप्रेसर से जो आ रहा है, वो कंप्रेसर से जो एयर आता है, इसमें एक पहले वाल लगा दिया जाता है मैनुअल आइसोलेशन वाल, मेन आइसोलेशन वाल, ये एयर को मेन आइसोलेट करने के लिए। अगर ये आपको पूरी लाइन को आइसोलेट करना है जब शटडाउन पीरियड में रहता है, तभी इस वाल को हम क्लोज रखते हैं, अदरवाइज जब ये रनिंग में रहता है तो ये वाले वाल को परमानेंट ओपन रखते हैं। और जब हमें इसको कन्वेइंग कराना रहता है तो उस दौरान यहाँ पे एक दूसरा वाल लगा रहता है, इसको बोलते हैं कन्वेइंग वाल। यहाँ पे देखिए कन्वेइंग वाल है, या फिर लाइन इनलेट वाल भी बोला जाता है, कई जगहों पे अलग अलग नाम रखा जाता है। तो मेन ये जो होता है कन्वेइंग वाल, इसको बोलते हैं क्योंकि कन्वेइंग लाइन का इनलेट में लगा हुआ है। तो ये भी हमारा एक्चुएटर ऑपरेटेड होता है, तो ये भी सोलेनाइड से ही ऑपरेट होता है। तो ये भी सोलेनाइड से होगा, ये भी सोलेनाइड से हो गया। तो ये हो जाता है कन्वेइंग वाल, जो कि कन्वेइंग लाइन में जो पहले लगा रहता है एयर लाइन का, वो होता है कन्वेइंग वाल। उसी प्रकार से देखिए, कन्वेइंग लाइन का जो डिस्चार्ज में लगा रहता है, जो कि हमारे एस को लेके जाता है, तो जो डिस्चार्ज में भी एक वाल लगाया जाता है। अभी डिस्चार्ज वाल क्यों लगाया जाता है दोस्तों, अगर ये हमारा सिंगल लाइन रहता तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं रहती। एक्चुअल क्या होता है कि जो हमारा ये एक लाइन लगा है, इसी प्रकार से आपने देखा हो कि ESP में हमारे कई सारे लाइन होते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक लाइन है, दो लाइन है, अभी जाके आगे जाके क्या होता है कि 10-12 लाइन यहाँ से जाता है, लेकिन आगे से जाके 4 या 5 ही लाइन निकलता है। तो सबको कॉमन एक लाइन में एक ही जैसे एक आउटपुट निकल लाइन निकल रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसको भी जोड़ दिया जाता है, इसको भी जोड़ दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे वाल लगा दिया जाता है कि जिसको आपको चलाना होगा उसको ओपन करेंगे, बाकी सब क्लोज रहेगा ताकि बैक प्रेशर उस लाइन में नहीं जाएगा।
तो इसलिए डिस्चार्ज वाल्व लगाया जाता है। इसको डिस्चार्ज वाल्व या फिर लाइन वाल्व भी बोला जाता है। तो सिलेंडर ऑपरेटेड या फिर एक्चुएटर ऑपरेटेड भी हो सकता है। यहाँ पे डोम वाल्व भी कहीं कहीं लगा रह जाता है, या फिर कहीं कहीं पे केजेबी नाइफ गेट वाल्व टाइप का भी यहाँ पे, या फिर डिस्क टाइप का भी वाल्व लगाया जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो कन्वेइंग लाइन होता है वहाँ पे हमारे पीटी और पीजी यानी कि प्रेशर ट्रांसमीटर और प्रेशर गेज भी लगाया जाता है कि जो हमारा मटेरियल कन्वेइंग होगा तो कन्वेइंग प्रेशर है वो कितना है उसका फीडबैक हमारे पीएलसी या पीटीसीएस को देने के लिए, और लोकल मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे प्रेशर गेज भी एक लगाया जाता है। तो इस प्रेशर ट्रांसमीटर का भी वायर हमारे इसी जेबी में या फिर पैनल के थ्रू होके जाता है। तो इसका भी वायर देखिए यहाँ पे आता है। उसके बाद एक कंट्रोलर होता है, इसका भी वायर इसी जेबी में आता है। अब इसके अलावा देखिए ये तो हमारे हो गए एक कन्वेइंग लाइन के। अब देखिए इसके बाद एक लगा रहता है वेंट लाइन। तो वेंट लाइन देख जो मैं जो वाल्व लगा रहता है उसको बोलते हैं वेंट वाल्व। अब वेंट वाल्व का क्या काम होता है कि जैसे मान लीजिए कि एस हमारे हॉपर में रहता है, उसके बाद हमारे जब ये डोम वाल्व खुलता है तो खोलने के बाद एस हमारा इसमें आता है। तो जब इसमें एस आता है उस दौरान एक देखिए यहाँ पे वाल्व लगा रहता है, ये बोलते हैं डिस्चार्ज वाल या फिर आउटलेट वाल। इसको डिस्चार्ज वाल या फिर आउटलेट वाल बोलते हैं, वेसल डिस्चार्ज या फिर पीडी पंप का डिस्चार्ज वाल। तो ये भी हमारा न्यूमेटिक ऑपरेटेड ही रहता है। तो ये भी डोम वाल ही रहता है अधिकतर, या फिर डिस्क वाल भी यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये जो डोम वाल है जब फिलिंग के दौरान जब इसमें मटेरियल गिर रहा होता है उसको हम बोलते हैं फिलिंग टाइम। तो दोस्तों जो फिलिंग टाइम में ये जो वाल्व होता है नीचे वाला ये क्लोज रहता है, ऊपर वाला जो डोम वाल्व रहता है ये ओपन रहता है। अब ये जो मैनुअल वाला होता है ये तो परमानेंट ओपन रखा जाता है। ये जो होता है इसके द्वारा कंट्रोलिंग किया जाता है। जब ये एस इसमें गिरते जाता है दोस्तों, जब ये एस इसमें गिरते जाएगा, जब ये ऑटो सिस्टम में चलेगा तो उस दौरान क्या होगा, जब इसमें एस फिल होता जाएगा जैसे ही यहाँ तक एस फिल होगा ये जो लेवल प्रोब है उसको सेंस करेगा। सेंस करने के बाद तुरंत फीडबैक मिलेगा हमारे यहाँ पे। जब फीडबैक मिलेगा तो दोस्तों जो भी हमारा इंटरलॉकिंग है उसके थ्रू कमांड आएगा, तुरंत ये जो इसका कमांड रहेगा जो ऊपर हमारा इनलेट वाला है ये तुरंत क्लोज हो जाएगा। इस पर कमांड हटे क्लोज का कमांड आएगा या फिर ओपन का हट जाएगा तो तुरंत क्लोज हो जाएगा। मटेरियल आना इसमें बंद हो जाएगा। जब दोस्तों मटेरियल आना बंद हो जाएगा उसके बाद हमारे फ्लूडाइजिंग वाल्व को हमारे चालू जो है फ्लूडाइजिंग वाल्व को कमांड दिया जाता है। ये ओपन होता है तो एयर जाके इसको फ्लूडाइज करने लगता है। अब फ्लूडाइज करने के बाद जब फिर आता है टाइमिंग हमारे इसको कन्वेइंग करता है, जब दोस्तों कन्वेइंग कराना होता है तो कन्वेइंग कराने के दौरान सबसे पहले हम कन्वेइंग वाल्व को शुरू करते हैं, एयर जाना इसमें शुरू होता है। जब पहले से एयर जाना पहले ही इसको नहीं ओपन करते हैं, पहले हम कन्वेइंग वाल्व को ओपन करते हैं, एयर वाल्व को ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे इसमें एयर जाना शुरू हो जाएगा, तब ये हमारा यहाँ पे जो डिस्चार्ज वाल्व है इसको थोड़ी देर बाद कमांड जाता है। वो हमें टाइमिंग सेट किया गया रहता है लॉजिक में कितना टाइम बाद इसको ओपन करना है। फिर ये ओपन होता है तो मटेरियल इसमें गिरना शुरू होता है। जब मटेरियल इसमें गिरता है तो ये एयर का जो प्रेशर होता है वो अपने साथ यहाँ से मटेरियल को लेते हुए चला जाता है सीधे हमारा जहाँ पे कलेक्ट करना रहता है। ज़्यादातर ये साइलो में ही जाता है, यहाँ से सीधे साइलो में चला जाता है। अब साइलो में भी कई सारे लाइन जाते हैं, तो वहाँ पे अगर एक दो तीन कई सारे साइलो होते हैं तो वहाँ पे भी हमारे डंप वाल या फिर बाईपास वाल उस पे साइलो के ऊपर भी हमारे लगे रहते हैं। तो देखिए जो वेंट वाल है अब उसका काम क्या है, यहाँ पे तो आपने समझ लिया इस सब का क्या काम होता है। अब जो वेंट वाल्व है, अब मान लीजिए कि इसमें जो जितना मटेरियल था वो मटेरियल हमारा पूरा खाली हो गया। अब खाली होने के बाद क्या होगा कि इसमें जो है एयर का प्रेशर अगर कुछ हमारा जनरेट हो गया, कुछ बचा है एयर का प्रेशर है, तो उस प्रेशर को डिस्चार्ज करने के लिए बाहर निकालने के लिए हम वेंट वाल्व लगाया जाता है। ये वेंट वाल्व को कमांड जाएगा, वेंट वाल्व ओपन हो जाएगा, इसका जो प्रेशर होगा वो हॉपर में चला जाएगा। तो दोनों इसका जो प्रेशर आउट हो जाएगा हॉपर में चला जाएगा, इस वेंट हो जाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं वेंट वाल्व। इसका जो प्रेशर होता है उसको वेंट करने के लिए, खाली करने के लिए। तो ये जो वेंट वाल्व है दोस्तों इसके फीडबैक के लिए भी हमारे यहाँ पे जो रीड स्विच आते हैं मैग्नेटिक रीड स्विच वो लगाया जाता है इसका फीडबैक लेने के। तो इसके भी हमारे दोनों अगर ओपन क्लोज का फीडबैक है इसका भी केबल जो होता है हमारा इसी में आता है। अगर ये डोम वाल है डोम वाल के पास हमारा लगाया जाता है एक लिमिट स्विच। अगर एयर लिमिट स्विच है तो इसमें डोम सील का प्रेशर लिया जाता है। डोम वाल ज़्यादातर जो भी लगा रहता है उसमें सील प्रेशर लगा रहता है, सील प्रेशर के लिए सील प्रेशर स्विच लगाया जाता है। उसमें एयर का ट्यूबिंग होते हैं तो उस सील प्रेशर स्विच का भी हमारा इसी में सब, यानी कि जितने भी हमारे सीएनडी के इक्विपमेंट हैं चाहे लिमिट स्विच हो या फिर प्रेशर स्विच हो या फिर प्रेशर ट्रांसमीटर हो, तो इन सारे के हमारे जो फीडबैक आते हैं ये हमारे इसी कंट्रोल जेबी में आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक प्रेशर स्विच लगा दिया जाता है जो इनलेट प्रेशर होता है वहाँ पे, यानी कि ये जो वाल्व है
इस वाल्व के बाद लगा दिया जाता है यहाँ पे। जब ये वाल्व ओपन होगा तो एयर का प्रेशर कितना केजी यहाँ पे जा रहा है उसका प्रेशर के लिए यहाँ पर प्रेशर गेज और प्रेशर स्विच लगा दिया जाता है। तो एयर प्रेशर स्विच यहाँ पे हो जाएगा, कन्वेइंग एयर प्रेशर स्विच। अब जो डिस्चार्ज में लगेगा रहेगा दोस्तों, वो हमारा एयर और एस का जो लेग जाएगा उसका प्रेशर अलग हो जाएगा, डिफरेंट रहेगा। और एयर का जो रहता है वो उसका प्रेशर का डिफरेंस वो यहाँ का प्रेशर अलग रहेगा, इधर का प्रेशर अलग रहता है। इसीलिए एक एयर का प्रेशर रहता है, एक कन्वेइंग मटेरियल जो जाता है उसका कितना प्रेशर से जा रहा है उसके लिए प्रेशर ट्रांसमीटर लगाया जाता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे मटेरियल जो कन्वेइंग हो रहा होता है तो उसका प्रेशर बढ़ते जाता है। अब जितना देर मटेरियल इसमें रहेगा उतना प्रेशर इसका बढ़ता, जैसे जैसे इसका मटेरियल कम होता जाएगा जो प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। कम होते होते जैसे ही जीरो पहुँचेगा प्रेशर, तो ये प्रेशर ट्रांसमीटर का फीडबैक जैसे वहाँ पे देगा जीरो, तो जीरो जाएगा तुरंत ये जो है वाल्व हमारा इसका कमांड आ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा फिर साइकिल शुरू होगा। अगर कई सारे लाइन है दोस्तों तो इसका टाइमिंग दिया गया रहता है, कितने टाइम बाद दूसरा लाइन फिर तीसरा लाइन, अलग अलग लाइन हमारे चलाने रहते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम में इसको चलेगा, फिर जब इसका टाइमिंग आएगा दोस्तों तो फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगा। पहले ये खुलेगा, उसके बाद फिर मटेरियल फिलिंग होगा, फिलिंग के बाद ये क्लोज हो जाएगा, फिर फ्लूडाइजिंग होगा, फ्लूडाइजिंग के बाद कन्वेइंग वाल्व चलेगा, फिर हमारे डिस्चार्ज वाल्व ओपन होगा, फिर मटेरियल को लेके जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम काम करता है ESP का, डेंस फेज कन्वेइंग सिस्टम। तो इसी प्रकार से डिल्यूट या फिर लीन फेज भी रहता है, बस उसमें ये रहता है उसका वेलोसिटी जो रहता है दोस्तों वो ज़्यादा रहता है, वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसमें प्रेशर कम रहता है। तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव प्रेशर कन्वेइंग सिस्टम होता है। इसके लिए हमें यहाँ पे कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है, मेन इसका जो पार्ट होता है वो हमारा कंप्रेसर होता है। इसके लिए टोटली बिना कंप्रेसर के कुछ भी नहीं हो पाएगा इसमें। तो यहाँ पे एक साइड में कंप्रेसर होगा, दूसरे साइड में साइलो रहता है। कंप्रेसर का एयर जो आता है दोस्तों 4 से 5 kg का जो एयर आएगा, इस एयर को कन्वेइंग कराते हुए हमारे साइलो तक पहुँचा देगा। और ये इसका जो यहाँ पे लोकल एक पैनल दिया जाता है जिसमें हमारे न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट के पूरा फीडबैक केबल या सोलेनाइड का जो कमांड का केबल आएगा, वो अगर लोकल रिमोट ऑपरेटिंग है तो यहाँ पे पुश बटन वगैरह लगा रहता है, सारा इसी में लगा रहता है। और जो एयर आता है इंस्ट्रूमेंट एयर एक इन होता है, और जितना सोलेनाइड लगाया जैसे कि एक डिस्चार्ज वाल्व के लिए सोलेनाइड लगा होगा, फिर ये लाइन डिस्चार्ज के लिए या फिर लाइन वाल्व के लिए कन्वेइंग डिस्चार्ज वाल्व, उसके बाद ये वेसल जो है इसके डिस्चार्ज वाल्व के लिए सोलेनाइड, फिर एक कन्वेइंग वाल्व के लिए सोलेनाइड, फ्लूडाइजिंग वाल के लिए सोलेनाइड, वेंट वाल के लिए सोलेनाइड। तो इतने सारे हमारे सोलेनाइड वाल का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। तो इतना सोलेनाइड हमारे एक मैनिफोल्ड के ऊपर इसमें हमारे पैनल के अंदर लगे रहते हैं। तो ये आपने समझ गया होगा कि किस प्रकार से हमारा डेंस फेज कन्वेइंग सिस्टम काम करता है, इसमें क्या क्या हमारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिपीट कर देते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पार्ट्स होते हैं, और हमारे CNDI के मेनली जो हमारे CNDI का क्या क्या इसमें पार्ट्स होता है। तो देखिए CNDI के जो हमारे मेन जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं, तो सबसे पहले एक लगा होगा हमारा जो डोम वाल है, इनलेट डोम वाल है, इसमें लगा रहता है सील। सील का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब ये डोम वाल ओपन क्लोज होता है तो उसमें क्या होता है कुछ गैपिंग रहता है वाल्व और इसको बॉडी के बीच में, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक रबर का सील दिया जाता है। तो वो रबर का जो सील है वाल्व क्लोज होने के बाद उसमें एयर जाता है, तो वो एयर जाने की वजह से सील जो होता है वो फूलता है, फैलता है, फैल के उसको पैक कर देता है। तो दोस्तों वो जो एयर जा रहा है वो एयर अगर लीकेज होगा तो हमारा पूरा पैक नहीं होगा, तो एस जो होता है बंद होने के बाद उसमें गिरने लगेगा। इसीलिए उस वहाँ से जो उसको एयर दे रहे हैं उस एयर को फीडबैक भी लेते हैं। जब ये उसका जो सील रहता है वो अगर डैमेज नहीं रहेगा, पूरा अच्छा रहेगा, तो जितना उसमें एयर देंगे उतना एक दूसरे पोर्ट से रिटर्न भी आएगा, और एक प्रेशर स्विच लगा दिया जाता है ताकि वो फीडबैक देगा। मान लीजिए 6 kg का इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर है, तो 6 kg अगर इस डोम वाल के अंदर जो सील यूज हो रहा है उसमें अगर 6 kg जाएगा तो रिटर्न वाले से भी 6 kg हमारा वापस आएगा। तो जो प्रेशर स्विच जितना पर सेट रहेगा उतने पे फीडबैक मिलेगा। अब जैसे इसमें अगर सील जो है हमारा डैमेज होगा या फिर कहीं से कटा होगा तो एयर ड्राफ्ट होगा, एयर ड्राफ्ट होने की वजह से जो सील प्रेशर स्विच रहा है उसको प्रेशर कम मिलेगा, वो एक्ट नहीं होगा। तो इससे पता चल जाता है कि ये वाल्व या तो पूरा क्लोज नहीं हुआ है या फिर कुछ सील का इसमें प्रॉब्लम है, तो इसीलिए यहाँ पे एक सील प्रेशर स्विच लगाया जाता है। उसके बाद एक होता है कन्वेइंग एयर प्रेशर स्विच। अब देखिए जैसे ये हमारा कन्वेइंग एयर है, यहाँ पे एक प्रेशर स्विच लगा दिया जाता है, तो दो हो गया। उसके बाद एक डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसमीटर, ये जो है डिस्चार्ज हो रहा है कन्वेइंग जो है मटेरियल का, यहाँ डिस्चार्ज लाइन में एक डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है डिस्चार्ज प्रेशर के लिए, ये हमारा इसका फीडबैक कंट्रोल रूम को जाता है।
उसके बाद वेंट वाल, ये जो हमारा वेंट वाल है इनके लिए एक लिमिट स्विच लगाया जाता है, ज़्यादातर रीड स्विच या फिर मैग्नेटिक रीड स्विच लगे रहते हैं। इसके बाद इक्वलाइजिंग वाल अगर लगा है, ज़्यादातर तो हमारे टावर वगैरह में लगा रहता है, लेकिन अगर यहाँ पे भी लगा रहता है पीटी पंप में, तो उसके लिए भी सेम लिमिट स्विच उसमें भी लगाया जाता है। उसके बाद फ्लूडाइजिंग वाल जो है, फ्लूडाइजिंग वाल के ऊपर या फिर कन्वेइंग वाल के ऊपर जो रोटरी लिमिट स्विच लगा रहता है, इनके भी ओपन क्लोज के फीडबैक के लिए हमारा लिमिट स्विच लगा रहता है। डिस्चार्ज वाल जो है, इसके लिए भी ओपन क्लोज का लिमिट स्विच, यानी कि जितने भी हमारे वाल्व हैं उनको ओपन क्लोज का जो लिमिट स्विच लगा रहता है, सबका फीडबैक के लिए हमारे रोटरी लिमिट स्विच या फिर रीड स्विच लगाया गया रहता है, और सबका फीडबैक का केबल हमारे इसी कंट्रोल पैनल में आता है। इसके अलावा एक हमारा होता है लेवल कंट्रोलर या फिर और लेवल प्रोब, जो हमारे पीडी पंप या फिर एस वेसल के लेवल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लेवल प्रोब रहेगा। इसका केबल कंट्रोलर से जुड़ा रहता है, कंट्रोलर का जो केबल रहता है वो हमारे कंट्रोल पैनल से जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ESP का टेंशन कनेक्ट सिस्टम है, और यहाँ पे हमारे पीडी पंप या फिर एस वेसल जो कि लगा हुआ है, और देखिए यहाँ पे कई सारे एक्चुएटर भी आपको दिखाई देंगे। तो जो पतली सी लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा लाइन जो है फ्लूडाइजिंग का लाइन रहता है, और जो मेन लाइन जो है वो हमारा कन्वेइंग का लाइन रहता है। तो जो वेसल से पहले कनेक्ट रहता है उधर हमारा एयर रहता है, और जो वेसल के आगे जो निकलता है उधर एयर और एस दोनों का मिक्सर रहता है। तो इसी प्रकार से टैंक हमारे अलग अलग जो भी कंपनी अलग अलग मॉडल इसका बनाती है, सब में इसी तरीके से लगा रहता है। और एक्चुएटर वाल टाइप का रोटरी एक्चुएटर हमारे इसमें बटरफ्लाई वाल के साथ लगा हुआ है, कन्वेइंग वाल में भी और फ्लूडाइजिंग वाल में भी, और हमारा जो रोटरी लिमिट स्विच है उसी के साथ भी कनेक्ट है। तो इसी तरीके से दोस्तों अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्लांट में ढेर सारा लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों हम उम्मीद, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारा इकोनोमाइजर का है, सेम उसी तरीके से डेंस फेज सिस्टम है। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कन्वेइंग वाल है जो कि डबल डिस्क टाइप का हमारा है, तो ये हमारा कनेक्टिंग वाल है, इसमें ओपन लिमिट और क्लोज लिमिट के लिए हमारा स्विच लगा हुआ है। और यहाँ पे सामने जो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा डोम वाल और उसके ऊपर जो हमारा एक्सपेंशन वेलोज लगा हुआ है, और ये जो सामने आपको लाइन यहाँ देख पा रहा है ये हमारा फ्लूडाइजिंग का लाइन होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुएटर के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पे एयर लिमिट स्विच भी हमारा लगा हुआ है एक्सपेंशन वेलो के नीचे जो कि डोम वाल है, और उसी डोम वाल में एक सिल्क प्रेशर का जो लाइन है जहाँ पे एक छोटा सा गेज लगा रहता है। तो आगे जो पूरी लाइन होती है दोस्तों, इसमें कई सारे वेसल होते हैं, और कई सारे वेसल एक ही लाइन से कनेक्ट होते हैं, और सबका जो इनलेट वाल या फिर जो डोम वाल होता है एक ही साथ ओपन होता है। तो देख सकते हैं इसमें कई सारे वेसल वगैरह लगे रहते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों डेंस फेज कनेक्ट सिस्टम जो है हमारा काम करता है।